अरे सर कैसे है? Thank you.
हम दो हमारे तीन, ये फिल्म है। जैसे आप जानते हैं कि संजय जी, सान्याल जी और राजेश जी हैं मेरे, बहुत तीनों ही मेरे फेवरेट हैं। और प्रोड्यूसर फ्राइडे सैटरडे संडे तीन दिन में ही फिल्म की जो लागत है उसे 100 गुना ज़्यादा कमा लेंगे। और हमेशा याद करेंगे वो तीन दिन, हाँ कितने अच्छे थे। और अगली फिल्म बनाइए वो 6 दिन हो सकता है। क्या कहना है संजय मिश्रा जी के, क्या कहना, बढ़िया परफॉर्मर मिश्रा जी। और शर्मा जी के बारे में क्या कहें, मेरे साथ में अभी हम लोग देहाती डिस्को कर रहे थे, बहुत अच्छे इंसान, बहुत ही प्यारे इंसान। और सान्याल जी के बारे में क्या कहें थिएटर के, तो ये पूरा जो ग्रुप है ये टैलेंट ओरिएंटेड फिल्म है। ऐसी एक हमारी छोटी सी फिल्म भी आ रही है गाली गलौज, जो आजकल स्टैंड अप कॉमेडी में गाली गलौज आ गई है उसके खिलाफ है। जैसे आपने गजनी फिल्म देखी, गजनी में गजनी विलन है, वैसे हमारी फिल्म में स्टैंड अप कॉमेडी में गाली गलौज विलन है। तो गाली गलौज फिल्म है जिसमें आप देख सकते हैं एंटरटेनमेंट से भरपूर फिल्म है, ज़रूर आशीर्वाद दीजिएगा। और वो 3 दिन के लिए तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, भगवान करे ईश्वर करे। तारीख भी 3 है, 0 3 0 है ना, तो 3 0 इनकी कमाई 0 0 बढ़ती जाएगी, हो सकता है 300 करोड़ फिल्म कमा ले। ऑल द बेस्ट, 3 चीज़ फॉर वो तीन दिन। इनके जैसा ना कोई दूसरा ना कोई तीसरा, बहुत ही जबरदस्त गुरुदेव है हमारे संजय मिश्रा। अरे गुरु, वाह, मैं लेट हो गया था राजू वाले में, दिल्ली आ रहा था लेकिन इसे तो मुझे शिकायत है बहुत, मुझे भी नहीं, शूट खत्म होने के बाद मुझे मैसेज कर रहे हैं। वाह, लेकिन ऑल द बेस्ट। इसमें गाने और स्टोरी सब तुम्हारी नहीं, गाया इसमें, अच्छा अच्छा ये फोटो भेजना जरूर मुझे याद से। भैया ये फोटो भेजो ना यहाँ से, तुम हमारी पिक्चर के लिए आए हो ना। हाँ दोनों दोस्त मेरे हैं, हाँ जी जी जी, हर कलाकार को चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, मैट्रिक का रिजल्ट निकलता है ना जैसे, तो धक धक होने लगती है। थिएटर में कहते हैं थर्ड बेल, तो वो थर्ड बेल का धक धक हर एक को होता है, होना भी चाहिए, डर होनी चाहिए। यार किसी को ब्लड प्रेशर होता है, किसी को कुछ कुछ होता है, किसी को ये डर होता है। सर आप कर लीजिए जी, इनके साथ राज जो पहले म्यूजिक डायरेक्टर था और अब डायरेक्टर हो गया है, एक म्यूजिक डायरेक्टर हिंदी में थे विशाल भारद्वाज, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी, एक राज आशु है उन्होंने भी फिल्म बनाई थी। अपना वो लगा इनकी तरह स्टैंड अप कॉमेडियन, यस। वाकई में स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता हूँ यार, जो एक अलग हुनर है। सामने देखिए, एक अभी अभी जो टाइम चल रहा है वो एक कंटेंट सिनेमा का चल रहा है, लोग रियलिस्टिक देखना चाहते हैं, एक्शन और मार धाड़ ये तो बरसों से देखते हुए आ रहे हैं, तो हम लोगों ने, हमें लगा कि ये कंटेंट बहुत अच्छा है और रूट से जुड़ा हुआ है और उसमें बहुत अच्छा सोशल मैसेज भी है, तो कहीं कहीं ये विचार मन में आया और ये फिल्म हमने बनाई। थैंक यू सो मच।
यार ये बड़ा भारतीय परिधान है और लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, तो आप अगर इस तरह के परिधान पहनेंगे तो वो भी कोशिश करेंगे। जिस दिन यूरोप अमेरिका में हमारे ये परिधान पहने जाने लगे मज़ा आएगा, और गर्मी के दिनों में ऐसे कपड़े अच्छे लगते हैं, ठीक है ना? हाँ धन्यवाद। सुनिए लीजिए, हाँ बोलो।